इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। ये धमाका है डीआरडीओ का, ये चेतावनी है दुश्मन को, अगर हमारी सरहद के आसपास भी आए तो उड़ा दिए जाओगे। ये तस्वीरें जारी की है डीआरडीओ ने और तस्वीरों में दिख रहा हथियार है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत कर एक मानव पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। यह मिसाइल भारतीय सेना की पैदल सेना और पैराशूट स्पेशल फोर्स के लिए है। यह पोर्टेबल मिसाइल है जिसे एक जगह से दूसरी जगह आदमियों द्वारा ले जाया जा सकता है। इसे अधिकतम 2.5 किलोमीटर की रेंज तक एक तिपाई का इस्तेमाल कर लॉन्च किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसका वीडियो भी जारी किया जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल को लॉन्च करते हुए देखा जा सकता है। इसके पहले भारत ने आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का भारतीय नौसेना के गुप्त तरीके से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत से सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने कहा है कि मिसाइल ने सटीक तरीके से निर्धारित लक्ष्य पर निशाना साधा। डीआरडीओ ने बताया था कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र में प्रहार करने वाले आधुनिक संस्करण का INS विशाखापत्तनम से परीक्षण किया गया। मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक तरीके से निशाना साधा। जिस तरीके से डीआरडीओ की तरफ से ये परीक्षण लगातार हो रहे हैं वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ सफलता के साथ बढ़ते कदम की कहानी बयां करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।